कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च जो है कैसे करते हैं, इस टाइप का आपके मन में सवाल आता होगा और आना भी चाहिए। और किनको कीवर्ड रिसर्च की जरूरत पड़ती है, ये सारी बातें अगर जानना चाहते हैं तो इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा। बस कुछ देर का ये वीडियो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का है। देखिए बात यह है कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, इंटरनेट पे अगर काम करते हैं, आपके पास वेबसाइट होगा या यूट्यूब पे ही वीडियो बनाते हैं, मतलब कहीं पे भी अगर सर्च करने की बात आती है और सर्च इंजन की बात आती है, तो भैया वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि विदाउट कीवर्ड रिसर्च अगर करते हैं तो भैया आपको सीधी सी मानिए कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका आउटकम रिजल्ट कितना आएगा आपको पता नहीं, और आप मतलब इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके करते हैं तो आपको एकदम 100% रिजल्ट मिलेगा। अब ये वीडियो किन लोगों के लिए, पहले मैं बता देता हूँ, जो लोग ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो ब्लॉगर होंगे, ऑलरेडी जो है ब्लॉग चला रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहली बात कि कीवर्ड क्या होता है। देखिए जो आप गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करके आप रिजल्ट देखते हैं, जैसे सपोज डैट कि अभी यहाँ पे ही है कि आपने सर्च किया कीवर्ड रिसर्च क्या है, तो ये जो टर्म हो गया ये अपने आप में एक कीवर्ड हो गया, मतलब कि क्या आप टाइप करके सर्च कर रहे हैं वही कीवर्ड होता है। अब ये यूट्यूब पे भी आप जो है कोई चीज़ मान लीजिए जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं ना, सर्च करते हैं ना, तो वो जो टर्म होता है, वो जो मतलब वर्ड लिखते हैं उसी को कीवर्ड कहा जाता है। तो ये गूगल पे भी हो सकता है, ये याहू पे भी हो सकता है, ये बिंग पे भी हो सकता है, ये यूट्यूब पे भी हो सकता है, मतलब हर जगह जहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है, जहाँ जहाँ सर्च इंजन है उस जगह हो जाएगा। तो इतनी तो समझ में आ गया है कि असल में ये कीवर्ड क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। देखिए अब मान लीजिए सपोज आपके पास एक ब्लॉग है, आपके पास एक वेबसाइट है ना, अब उस वेबसाइट पे आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो लोग जो सर्च करेंगे गूगल में, तो क्या आपका वेबसाइट का लिस्ट आएगा, ये कैसे आएगा? जब आपको मालूम होगा कि लोग असल में सर्च क्या कर रहे हैं और ये जब जानकारी आपको मिलेगी तभी ना कीजिएगा। क्योंकि सपोज कि आप मतलब लिखना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग पे एक आर्टिकल देना चाह रहे हैं कि जीएसटी क्या है, सपोज जीएसटी क्या है, और लोग जो है जीएसटी के बारे में सर्च ही नहीं अगर कर रहे हैं तो क्या आपका ब्लॉग आएगा उसमें? नहीं आएगा। अगर जो है सर्च कर रहे हैं लोग जीएसटी फॉर्म कैसे भरें, और आप अगर आर्टिकल लिख देते हैं, आपको मालूम हो जाता है कि ये लिखाना मतलब ये जो है लोग सर्च कर रहे हैं और ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी फॉर्म कैसे भरें, और वो आर्टिकल आपका रहेगा, लोग भी वही चीज़ सर्च करेंगे, तो गूगल या जो भी सर्च इंजन है वो आपके वेबसाइट का लिस्टिंग करेगा और इस तरह से आपके वेबसाइट पे जो है लोग आएंगे। तो इस टाइप का जो रिसर्च होता है, इस टाइप का जो आप प्रॉपर वे में वर्क करके तब आर्टिकल लिखते हैं, इसी को कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। इतना तो समझ में आ गया। अब आपको मन में आ रहा होगा, आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि कीवर्ड रिसर्च किया कैसे जाता है। देखिए कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ फ्री में अवेलेबल है, कुछ पेड अवेलेबल हैं, और जो फ्री में है तो फ्री टाइप का कंटेंट मिलेगा, लेकिन जो पेड है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा, और उस इन्फॉर्मेशन को ले करके आप जो है अपने आर्टिकल को इतना ज़्यादा SEO इम्प्रूव कर सकते हैं उसका, जो आपका वेबसाइट तुरंत रैंक हो जाएगा। अभी आप जो देखते होंगे जो मेरा ब्लॉग है tkg.com, उस ब्लॉग का रैंकिंग अगर उसका देखिएगा, अगर कीवर्ड रिसर्च का, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है नंबर वन पे मेरा वेबसाइट जो है, मेरा ब्लॉग है, वो रैंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके इसके बाद आर्टिकल लिखा। अब आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि ठीक है भैया, समझ गए कीवर्ड रिसर्च करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन कौन कौन से टूल्स हैं? देखिए टूल्स इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा भर भर के भरे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्री वाली है तो गूगल का कीवर्ड प्लानर है, जो कि आप लोग जानते हुए एडवर्ड में रहता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। देखिए इंटरनेट पे अभी मैंने देखा, यूट्यूब पे देखा है, बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो बता तो रहा है कि हाँ, उस वीडियो में ये बताया गया कि कीवर्ड रिसर्च कैसे टाइप करके सर्च करके करें, ये सब बेसिक चीज़ मुझे लगा। मुझे क्यों बेसिक चीज़ लगा? इसलिए लगा क्योंकि ये सब चीज़ ना ऑटोमेटिकली आप लॉगिन
ज्वाइन करते हैं तो इसके बाद आपको दिख जाएगा सेक्शन और खुद ब खुद ट्राई मार लीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस जब होगा आपका, मतलब आर्टिकल लिखने का जो एक्सपीरियंस होगा, फिर समझ में आएगा अच्छा कीवर्ड रिसर्च इस ढंग से किया जाता है। लेकिन जिन लोगों को एडवांस नॉलेज नहीं है और वो लोग भी आर्टिकल को रैंक करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए जो जरूरत पड़ेगा वो पड़ेगा पेड जो टूल्स होता है, जैसे कि सेमरस हो गया, आरिफ हो गया, इसका लॉन्ग टेल प्रो हो गया, इसका बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद आप अपने जो आपका जो ब्लॉग है उसका आर्टिकल रैंक करना शुरू कर देगा। लेकिन एक बात फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको इस फील्ड में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो शुरुआती दौर में पैसा मत लगाइएगा कीवर्ड रिसर्च के, मतलब कि कीवर्ड रिसर्च टूल्स जो है उसके लिए, क्योंकि आपका पैसा तो कटना शुरू हो जाएगा और उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे अवेलेबल है टूल्स जो ट्रायल वर्जन देते हैं, तो ट्रायल वर्जन का इस्तेमाल करिएगा। ट्रायल वर्जन इस्तेमाल करने के बाद उस डेट के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर कीवर्ड रिसर्च आपको नहीं करने आता है तो आप डिजिटल फील्ड में या ऑनलाइन फील्ड में आगे बढ़ने में, मतलब कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा और शायद जो है आपसे आगे बहुत सारे लोग निकल जाएंगे और बहुत जल्दी निकल जाएंगे। ऐसे में आप ये बताइएगा कि क्या आप लोग जो है कीवर्ड रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं, क्या इससे पहले, इस वीडियो से पहले आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में प्रॉपर जानकारी थी? अगर थी तो नीचे में ज़रूर लिखिएगा कि आपने किस कीवर्ड रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल किया है, फ्री वाले या पेड वाले, और उसका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। और दोस्तों, अगर सच में आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।